हमारा भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर अब कुछ भी बंद हो जाए पर कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों को इसी प्रकार घरों की नीड्स भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ईंट हमारे ज़रूर से ज़रूर बिकेंगे। यहाँ पर आज के समय में कई सारे ईंट आ गए हैं, जैसे एज फ्लाई ब्रिक्स जो आपके सीमेंट वाले ईंटें होते हैं, पर जो मिट्टी के ईंट है इनको अभी तक इनसे रिप्लेस नहीं किया जा सका है। रीज़न कई सारे हैं, जैसे कि जो सीमेंट वाले ईंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं मिट्टी के ईंट से। इसी के अलावा मजबूती के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और काफ़ी आसानी से अवेलेबल भी होते हैं हर जगह, इसीलिए आज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आप किस तरीके से एक अपना खुद का भट्ठा शुरू कर सकते हो ईंटों का, और इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, क्या समस्याएँ आती हैं जब आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूट्यूब पर आपको दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अगर हम यहाँ पर ईंट भट्ठों की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि आप अगर किसी भी ईंट भट्ठे को शुरू करते हैं तो उसे शुरू करने के लिए आप एक ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहां आसपास कोई गांव नहीं होना चाहिए, कोई शहर नहीं होना चाहिए, इसी के अलावा कोई जंगल नहीं होना चाहिए। ये तो चलो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है। अगर आप लोकेशन देख रहे हैं अपने इस बिजनेस के लिए तो कम से कम आपके पास 3 से 4 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा सेटअप आप इसी में ही करेंगे, ईंटें पकाकर रखेंगे भी आप यहीं पर, तो इतनी ज़मीन तो कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप ईंट भट्ठे का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेबर आपके पास काम करेंगे, तो वहाँ पर जो श्रम है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। अगर आप महंगे श्रम वाले एरिया में इस बिज़नेस को शुरू कर देते हैं तो आपकी बचत ना के बराबर जाएगी। तो श्रम जहाँ पर सस्ता हो वहाँ पर आपको इस बिज़नेस को शुरू करना है। और अगली चीज़ की बात करें, साथ ही यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी होगी वो भी प्रॉपर रखनी है, क्योंकि ट्रालियाँ भर भर के ईंटें आपको भेजने होंगे अपने भट्ठे से, और कोयला जब आएगा तो ट्रक लोड होके पूरा आएगा कोयला। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि कस्टमर्स भी आपके भट्ठे तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए अब लाइसेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद आपको सेल टैक्स से लाइसेंस लेना पड़ेगा और NOC लेनी पड़ेगी आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से आपको NOC लेनी पड़ेगी, साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपको NOC लेनी पड़ेगी। ये सभी प्रकार के NOC अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं और लाइसेंस आप बनवा लेते हैं तो आप इस बिज़नेस को लीगली आसानी से शुरू कर सकते हैं, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका होता है और काफ़ी ज़्यादा समय आपका लगता है। सबसे हार्ड काम जो होता है इसमें वो यही होता है कि आप लाइसेंस क्लियर करवाएं सभी, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। हम अभी बात करते हैं इसमें टोटली इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो भट्ठा जो आपका होगा उसे बनवाने में श्रम और ईंटें और मसाला सीमेंट जितना आपका लगने वाला है, समथिंग 60 से 70 लाख रुपए आपकी चिमनी बनवाने में, जो पूरा एरिया होगा उसे बनवाने में लगेंगे। और इसी के साथ में आपको यहाँ 4 ट्रैक्टर, 4 ट्राली, JCB भी खरीदनी होगी, और इसी के अलावा आपकी जितनी ज़मीन होगी वो भी आपको परचेस करनी होगी उसी के अंदर। तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए हम मान के रख लेते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके लगते हैं, और एक बार सीज़न को रन करने के लिए कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की ज़रूरत आपको होती है। मजदूरों की कॉस्ट, मिट्टी आपको ख़रीदनी पड़ती है, कोयला आपको ख़रीदना पड़ता है पकाने के लिए, और उसके बाद जो पकाने के लिए आपको मजदूर रखने पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों में 50 से 60 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता है एक सीज़न में। और इसमें अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 25 से 30 लाख रुपए तक समथिंग आप प्रॉफिट मार्जिन बचा सकते हैं एक सीज़न के अंदर। अभी बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स इसमें हमको फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे बड़ी एक ही समस्या होती है इसमें, मौसम। अगर मौसम अच्छा रहा फिर तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, पर अगर मौसम गड़बड़ हो गया तो यहाँ पर जो आपकी ईंटें हैं वो भी गल जाती हैं। कई बार अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है ईंटों में। जो अव्वल ईंटें होते हैं वो तो चलिए ठीक ठाक बचे रह जाते हैं, पर काफ़ी सारे ईंटें ऐसे होते हैं जो कि अव्वल नहीं हो पाते हैं और वो बरसात के वजह से भीग कर गिरने लगते हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
उसके बाद आपको उन्हें भट्ठे से हटवाना पड़ता है, क्लियर करवाना पड़ता है, तो उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है। तो ऐसे में कई कई बार ऐसा होता है कि भट्ठे मालिकों को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी, अपने पास से भी पैसे देने पड़ जाते हैं। पर कई कई सीज़न में ऐसा होता है कि आसानी से 25-30 लाख रुपये समथिंग निकल जाते हैं। तो ये कई बार आपके लक पर भी डिपेंड करता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से भट्ठे के बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।